शंकर की ड्यूटी गोविंदपुर में लगी है और जहां इसकी ससुराल है, ये अपने ससुराल जा रहा है। ससुराल जाएगा जब कब तक वहां नहीं पाएगा तब तो ये गुस्से में होगी। इसके बाद ये नानी के यहां जाएगा, जब नानी के यहां ये शंकर जाएगा वहां पर सपना नहीं मिलेगी तो तब क्या होगा भाई? आपको सीधा गोली मार देगा। क्या कहा? गोली मार देगा। अरे बे मैं उसका बड़ा भाई हो। सही है, कोई बहाना फिर ढूंढूंगा ना। हमारा नाम ठाकुर अर्जुन सिंह है बे। चल चलते हैं, जो होगा सो दिखा जाएगा। जय हो। मैं अपनी खबर अरमान सिंह को बता दिया, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आए। मेरे नमाज का समय हो गया है, नमाज पढ़ने चल रहा हूँ। इधर आ। क्या बात है साहब? इस जंगल में क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज? क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम अजीज पठान है। क्या? तो तू ही अजीज पठान? दीनदयाल जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया रे। कई कंप्लेन है ना? क्या रे अजीत पठान साला तू डाकुआ का मुखबिर है? ये आप क्या कह रहे हो साहब? मैं कौम का मुसलमान हूँ। तेरे नाम से कई अफवाहें हैं। मुखबिरी करूंगा? ये सब झूठ है साहब। देख अजीत, मुझसे तेरी चलाकी नहीं चलेगी। देख भलाई इसी में है कि अपना गुनाह कबूल कर ले। साहब कौन सा गुनाह किया हूँ जो कबूल कर लूं? अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई मुखबिर नहीं हूँ। दीनदयाल जरा हथकड़ी पहना। सर ऐसे नहीं बताएगा जब थाने में 20 लाख का पड़ेगा सर। जब साले की मरम्मत होगी तब ये बताएगा कि मैं कौन हूँ। हथकड़ी लगा। काफी दिन से तेरी तलाश थी। दीनदयाल ले चल। देख अजीत पठान अभी ध्यान से बता दे, साला नहीं बोले। बेटा पुड़ी कहां साला मर गया? हमारा पैसवा दे। क्या कहा बे साले? हमारा पैसवा दे, हमारे घर से भाई भाई फोन आ रहा। अभी अभी फोन आया? हाँ वह बतला रहे तब दे रहे होंगे। ओ पैसे की जरूरत है? पैसा बहुत। चल बे हम पैसा। हमार भैंस बच्चा करे बेला फेंक लाग। बेला फेंक रही है? बुखार हो गया। अरे साले डॉक्टर को नहीं दिखाया? पैसे डाल दिखाए कहां से? पहले मेरी बात सुन। मेरी बात सुन यार, दिमाग बहुत अपसेट है। तू तो जानता है मेरे पीछे डाकू अरमान सिंह भी पड़ा हुआ है और डाकू नगीना भी पड़ी है और मेरा छोटा भाई शंकर अपनी ससुराल गोविंदपुर जाएगा और जब अपनी पत्नी को नहीं पाएगा, बहन सपना को नहीं पाएगा तो भी मेरा दुश्मन हो जाएगा। एकर मतलब एकर सारे का साथ छोड़ा जरूरी बा। एकरे साथे हम हो पिसा जाब। हम बाबू साहब ओ चल चलते हैं ठीक है। पैसा नहीं।
इसके बाद सोचते हैं। आओ बहन, मैं सुनी हूँ कि मेरे भाई अजीज पठान को पुलिस पकड़ ले गई है। भैया कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे मेरा भाई छूट जाए। ठीक है बहन, सपना सपना को साथ में लिवा के चलो, तभी मेरे भाई को पुलिस छोड़ेगी। ठीक है बहन, चलो चलते हैं, सपना को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है भैया चलिए। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय हिंद सर। जय हिंद दीनदयाल। यस सर। इतना मार पड़ा, इतना टॉर्चर करने के बाद साला खुश नहीं बन रहा है। हाँ सर। क्या करूँ रे इसके साथ, क्या करोगे? खाली इतना पूछता हूँ कि नगीना कौन है और डाकू अरमान सिंह कौन है, लेकिन साला खाट का बना है। हाँ सर। देखो ऊपर से आदेश आया है। हाँ सर। कि उसे फांसी दे दिया जाए। ठीक है सर। जा उसे लेके आ। ठीक है सर। लेके आ जल्दी। हाजिर है। देख अजीत पठान, तुझे एक चांस और दे रहा हूं, सच सच बता दे आखिर बात क्या है। साहब मैं एक बार नहीं सौ बार यही कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं, मैं कोई मुखबिर नहीं हूं। जब कुछ जानता ही नहीं हूं तो क्या बताऊं आपको। अरे क्यों झूठ बोल रहा है बे? इधर आ। दीनदयाल फांसी लगा इसे। देख पठान, अगर तेरी कोई अच्छी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। कोई ख्वाहिश नहीं है साहब। कोई ख्वाहिश नहीं। अब तो कुछ ही पल में मेरे जीवन का चिराग बुझने वाला है। ख्वाहिश करके मैं क्या करूंगा साहब, इससे अच्छा तो है मेरी फांसी हो जाए। मुझे ना किसी से मिलना है ना कुछ खाना है, सिर्फ आप अपना काम करिए साहब। चल ठीक है दीनदयाल, नंबर बोलो। चल नंबर एक, नंबर दो और नंबर। रुकिए रुकिए फांसी दे रहे हो साहब, वो निर्दोष है। निर्दोष है? हाँ। लेकिन तुम कौन हो साहब? साहब ये मेरे भैया हैं साहब। ये तेरा भाई? इन्हें छोड़ दीजिए, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन तुम अपना चेहरा दिखा। साहब मेरा चेहरा ना देखे तो ही अच्छा है साहब। अगर आप मेरा चेहरा देखेंगे साहब तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तेरे कहने का मतलब, ये तेरा भाई है? क्या तेरे पास सबूत है कि मान लो
कि तेरा भाई है, अपना चेहरा दिखा। साहब मजबूर कर रहे हैं मुझे माफ कर दे सपना बहन, मैं तेरा भी गुनहगार हूं। तू मिल गई ना, सब कुछ मिल गया, तू चिंता मत कर बहन, मैं हूं ना तेरे साथ, इंसाफ करूंगा। कविता हाँ स्वामी, ये तेरा धर्म का भाई, हाँ ये मेरे भैया, लेकिन ये भी मेरा भाई है, मेरे धर्म के भाई, ये भी तेरा धर्म का भाई है, लेकिन एक बात बता, अरे तुझे तो घर में रहना चाहिए, भागी कैसे बन गई तू? क्या बताऊं, जब तुम्हारे भाई ने मुझे जिंदा चलाना चाहा, सपना ने मेरी जान बचा कर बोला कि भाभी तुम अपने मायके चली जाओ, मैं अपने मायके गई, भाभी मेरी माँ ये सुनी कि मेरी बेटी दहेज के कारण घर से भगाई गई, मेरी माँ ये सदमा ना बर्दाश्त कर पाई, मेरी माँ हम सबको छोड़ के चली गई, मैं भी ये सोच ली थी जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो मैं जी कर क्या करूँगी, मैं भी मरने के लिए गई थी, भला हो इनका ये भाई ने मेरी जान बचाई, इनका नाम अरमान सिंह है। क्या यही अरमान सिंह है? हाँ सॉरी अरमान सिंह, हाँ साहब आपका एहसान है भाई, लेकिन क्या करूं, मैं ठहरा कानून का पुजारी और तुम लोग कानून के बागी हो, सबको सजा मिलेगी, एक काम करो तुम
तुम लोग आप समर्पण कर दो। अगर मेरा भाई गुनहगार है तो सबसे पहले उससे गोली मैं मारूंगा, ये वादा कर रहा हूं मैं। ठीक है साहब, साहब मैं कसम खाई हूं कि जब तक अर्जुन सिंह को मौत के घाट नहीं उतार देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आप कुछ नहीं करेंगे? अरे नहीं कविता, देख मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि अगर मेरा भाई दोषी है तो सबसे पहले उसके सीन में मैं गोली मारूंगा। चलो मेरे साथ। ए दीनदयाल कहाँ है बे? चल सबको साथ ले चल, चलो मेरे साथ। मैंने ये सुना हो मेरा जो छोटा भाई शंकर है इंस्पेक्टर है और मुझसे बदला लेने आ रहा है, अब क्या होगा बे? ऐसा कर बे, देख मैं दिमाग लगाता हूँ, यही भोलेनाथ का मंदिर बना और जाकर दो साड़ी लेकर आ, ठीक है? वही हम लोग यही भाव भजन करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ जल्दी कर बे, जल्दी कर। नहीं तो शंकर आ जाएगा, हमें उससे बचना है। अबे जल्दी आ बे, इस रास्ते से चल रहे हो तो इनका आशीर्वाद लेते चलो, पूछ लो, जान जानते हो कि पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं। बाबा जी पांव लगूं? खुश रहो बच्चा, खुश रहो बच्चा। बाबा जी हम लोग इस रास्ते से ये काम के लिए आए हैं। ए बाबा जी इसलिए आए हैं कि हम लोग अरविंद सिंह को खोज रहे हैं। क्या आपने मेरे आपने अर्जुन सिंह को देखा? हाँ अर्जुन सिंह को जी हाँ बच्चा देखा देखा, इसी रास्ते से गया है अर्जुन सिंह। क्या कहा बाबा जी? अर्जुन सिंह यहाँ पर आया था और इसी रास्ते से वो कमीना जंगल में जा रहा है। ये बेटा काली पहाड़ी है जी, नदी है, नदी डाककर जंगल है, जंगल के बगल में काली पहाड़ी है। नदी जब डाकने लगेगी ना वहाँ बहुत पानी है, पानी संभाल के रहना। हमने वही देखा था बेटा। और अर्जुन सिंह हमारे सालिग्राम को भी उठा ले गया है बेटा। बाबा जी एक कई बात नहीं जान पाए कि आज तक बहुत साधु देखे, बहुत
हजारों संत देखे पर आप सब मोहना काहे मुने है करिखे लगाए है का? नहीं बच्चा ऐसा है ये कलयुग है कलयुग है हाँ? कलयुग में जानते हो साधु संत इतना रिकॉर्ड गंदा कर दिए हैं हाँ? कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है हाँ? जैसे आसाराम बापू हाँ? जानते हो और ऐसी बात नहीं है हाँ? ऐसी बात नहीं है बच्चा चोर दुरागन है इसलिए मुंह छुपा रहा है अब देख रहे हो हमारे साली ग्रामर को उठा ले गए अच्छा आपके साली ग्राम को उठा ले गए भैया ए भैया और कभी ना अर्जुन सिंह इसी रास्ते से होकर के काली पहाड़ी पर गया है चलो भाई काली पहाड़ी पर खोज कर उस कमीने को वहीं मार दिया जाए ए बच्चे क्या है तुम लोग कई लोग दिखाई दे रहे हो और साथ में दो बच्चियां भी हैं ये तो बिल्कुल सही बात है बाबा जी अच्छा ऐसा है मेरी बात को मानो जी दोनों बच्चियों को यहाँ छोड़ दीजिए अच्छा और आप लोग जाइए और अर्जुन सिंह वही मिलेगा काली पहाड़ी पर हम लोग देखभाल करेंगे ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बाबा जी क्योंकि वो जंगल है वहाँ पर शेर बाघ चीते होंगे इसलिए वो लोग डर जाएंगे इसलिए यही बैठा देते हैं और हम लोग चलते हैं अर्जुन सिंह की खोज में ठीक ठीक है सावन चलो